नमस्ते जनता, आप देख रहे हैं शाही भोज। जैसा कि पिछली वीडियो में मुझे एक कमेंट और आया था कि आप लिफाफा पराठा बनाइए कोई नई स्टफिंग के साथ, तो मैं आज वही बना रहा हूँ और ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बनाते हैं लिफाफा पराठा विद आलू भुजिया की स्टफिंग के साथ। अगर आपको किसी भी रेसिपी की वीडियो चाहिए हो या किसी भी रेसिपी को बनाने में कुछ दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी रेसिपी को बना के उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करूं। प्लीज वेजिटेरियन रेसिपी ही कमेंट करिएगा क्योंकि ये चैनल प्योर वेज। और सामग्री कुछ इस प्रकार है। 2 कप आटा, 3 पैकेट आलू भुजिया के, 3 उबले हुए आलू, 2 मीडियम साइज टमाटर कटे हुए, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटी हुई, ये चीज है मैंने इसको किस लिया है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 मिर्ची कटी हुई। सबसे पहले बड़े बर्तन में आटा को निकाल लीजिए, फिर उसमें 1 चुटकी नमक डालिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लीजिए। आटा अच्छे तरीके से गूंद चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंदा है ये। अब इस आटे में अपन तेल की कोटिंग करेंगे। 1 चम्मच तेल लेके हाथों में उस आटे में अच्छे तरीके से लगा दीजिए चारों तरफ। तेल अच्छे तरीके से लग चुका है, अब इसको अपन 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। जब तक अपना आटा रेडी हो रहा है, जब तक अपन स्टफिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में आलू को रख लीजिए और उसके बाद उसको अपन मैश करेंगे। आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। आलू को मैश करने के बाद इसमें अपन डालेंगे टमाटर, फिर इसमें अपन डालेंगे धनिया और फिर डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें अपन डालेंगे हरी मिर्च। मिर्ची के बाद इसमें अपन डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, फिर इसमें अपन डालेंगे 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची पाउडर के बाद इसमें अपन डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक के बाद इसमें अपन डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर अपन डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, फिर इसमें अपन मिलाएंगे आलू भुजिया। आलू भुजिया मिलाने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, अपनी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब अपन आटे को चेक कर लेते हैं। आटा बिल्कुल रेडी है, अब इसके अपन लिफाफा पराठा बनाएंगे। तो अपन आटे की मीडियम साइज की लोई निकाल लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा आटा लगा के उसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा परतन लगा के अच्छे तरीके से इसको बेल लें। ये याद रखिएगा कि पराठा अच्छा बड़ा बेल है, क्योंकि पराठा अगर बड़ा रहेगा तो उसमें स्टफिंग भी अच्छे तरीके से भर पाएंगे अपन। पराठा अच्छे तरीके से बेल चुका है, अब इसमें अपन स्टफिंग डालेंगे। तो जो अपन ने आलू भुजिया की स्टफिंग बनाई थी वो उसके बीच में रखें और उस स्टफिंग को चम्मच या हाथ की मदद से हल्के हाथ से दबा दें, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप चाहे तो स्टफिंग के ऊपर भी थोड़ा और आलू भुजिया आप डाल सकते हैं। स्टफिंग अच्छे तरीके से मैंने डाल दिया है, अब इसको अपन बंद करेंगे। स्टफिंग डालने के बाद ऊपर और नीचे के हिस्से को फोल्ड करके उसको दबा देंगे और ऐसे ही अपन राइट और लेफ्ट वाला भी हिस्सा दबा देंगे, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। फोल्ड करने के बाद इसमें हल्का सा परथन लगाएंगे अपन और परथन लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। पराठा अच्छे तरीके से बिल चुका है, अब इसको अपन सेक लेंगे। तो एक तवा पे वो पराठे को रखिए और उसको नीचे साइड से सिकने दीजिए। ये नीचे से अच्छे तरीके से सिक चुका है, अब इसको अपन पलट लेंगे और पलटने के बाद इसमें अपन बटर लगाएंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से। बटर लगाने के बाद इसको फिर से पलट लीजिए और दूसरी साइड में भी अच्छे तरीके से बटर लगा लीजिए। दूसरी तरफ बटर लगाने के बाद इसको दोनों साइड से पलट के अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से सिक रहा है, इससे आलू भुजिए की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पराठा अच्छे तरीके से सिक चुका है, अब इसको आप किसी भी प्लेट में निकाल लीजिए और ये आपका आलू भुजिया लिफाफा पराठा रेडी है। अपने फैमिली वालों को सर्व करें। अगर उनको ये पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।